माँ प्रभु यूसुफ और उनके परिवार के बचा लो। खूबे बरस पाचे याकूब डोकरा उरे तेबे उनचो लाडरा बेटा यूसुफ के अपलो भाई मनचो जांच कर तो खाजे पटालो जोन जीवदारी मन के देखरेख करते रहो। यूसुफ चो भाई मन उनके ईर्ष्या करते रहो। कसन बल्ले उन मन चो बुआ उनके अधिक लाड करते रहे और उन्हीं काजे बले यूसुफ सपना दखू रहे कि उन मन चो अधिकारी ओ दे। जिदलदा यूसुफ उन चो भाई मन लगे गेलो उन मन उनके बंदी बनाला और उन मन कमिया मन चो व्यवहार कर तो लोग मन लगे बिकुन दिला। घरे बोड़ून ए तौर पहले यूसुफ चो भाई मन यूसुफ चो होटी के चिरुन बोकड़ा चो लहू ने बिजाउन दिला। फिर उन मन सब पोटी के अपलो बुआ के दखाला कि उन असन सोचो कि जंगल चो जीवदारी मन यूसुफ के मारला। याकूब खूबे निराश रहे। कमिया मन चो बेबार कर तो लोग मन यूसुफ के मिसर देश ने नीला और नील नदी चो लगे बोसलो मिसर देश गोटो खूबे बड़े और शक्तिशाली देश रहे। उन कमिया मंचो व्यवहार कर तो लोग मन यूसुफ के गोटोक धनी सरकारी अधिकारी चो कमिया चो रूप ने बिकुन दिला। यूसुफ अपलो सौकार चो अच्छा ले सेवा कर लो और माँ प्रभु यूसुफ के आशीर्वाद दिलो। उनचो राजा चो बायले यूसुफ संगे सोतो खाजे कोशिश करते रहे। मांतर यूसुफ असन रीति ले महाप्रभु चो विरुद्ध पाप करुक नी चाहते रहे। उन बायले रिसो लिया और यूसुफ के झूठा आरोप लगा ली। उन्हीं काजे यूसुफ के मारपेट कर तो काजे जेल खाना ने नीला। जेल ने बले यूसुफ महाप्रभु चो प्रति सत ने रहे और महाप्रभु उनके आशीर्वाद दिलो। दुई बरस चोपाचे यूसुफ एबले बले जेल ने रहे। मांतर ऊ निर्दोष रहे। गोटोक राती फिरोन जसन की मिस्री लोग मन अपलो राजा के आग देते रहुआत उन दुटान सपना दखलो। उन बीती उनके अधिक भयभीत कर ली। उन चकोनी सलाहकार उन सपना चो अरत नी सांगुक सकला। महाप्रभु यूसुफ के सपना चो अरत सांगतु काजे शक्ति दिलो। उन्हीं काजे फिरोन यूसुफ के जेल खाना ले अपलो लगे हाक दिलो। यूसुफ उनके उन सपना चो अरत सांग लो और बोल लो महाप्रभु भरपूर धान पान कमाल और सात बरस पाछे सात बरस तक अकाल अनुआय। फिरोन यूसुफ के इतलो अक चखालो कि उनके मिसर चो दूसरा सबुले शक्तिशाली मनुक बोलून नियुक्त कर लो। यूसुफ उन लोग मनचो अच्छा खेती बाड़ी चो सात बरस के खूबे असन धन माल संगातु काजे सांग लो। जेबे सात बरस चो आखा लीली तो यूसुफ उन लोग मन लगे अपलो धन के बीक लो। कसन बल्ले उन लोग मन काजे खूबे खातु काजे रहो। उन अकाल मिसर ने छी नुआय कनान ने बले बिकट रहे जोनता ने याकूब और उनचो परिवार रहो। उन्हीं काजे याकूब अपलो बड़े बेटा मन के खातु काजे गेनुक मिसर ने पठालो। जिदल दाय उन मन गेनुक यूसुफ चो पूरे या उठला तो उन मन यूसुफ के नी चिताला। मांतर यूसुफ उन मन के चितालो। ए मालूम कर तो काजे कि काय उन मन बदलला से उनचो जांच कर लो पाचे। यूसुफ उन मन के बल लो मैं तुमचो भाई यूसुफ आए नी डरा। जिदल दाय तुम्ही मोके कमिया चो रूप ने बिकू रलास तो तुम्ही गलत कर तो वाट करू रलास। मांतर महाप्रभु उन गलत के अच्छा काजे चुन लो। या और मिसर ने रहा कसन बोले
मैं तुमचो और तुमचो परिवार काजे कातो काजे देख सकेंदे। जिदलदा यूसुफ चो भाई मन आपस गेला और अपलो बुआ याकूब के सांगला की यूसुफ एबे बले जीव आसे तो उनको भी आरी कोलो। मानतर याकूब डोकरा उरे तेबे बले उन अपलो परिवार संगे मिसर ने गेला और उता बसला। याकूब चो मोरतो चो पहले उन अपलो सब बेटा मन के आशीर्वाद दिलो। वायदा चो उन क्रिया जोन महाप्रभु अब्राम के करू रहे। फिर इसहाक के और ऊंचो पाछे याकूब और ऊंचो पाछे ऊंचो बारह जन बेटा ऊंचो परिवार लगे ही ली। उन बारह बेटा मन चो बॉन्स इसराइल चो बारह गोत्र बनला। उत्पत्ति 37 ले 50 बाइबल चो गोटो कहानी।